दूसरा, राहुल गांधी ने कहा कि यहां कॉलेजों में यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं, देश में कहीं भी जाकर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है। आप सबने देखा है उन्होंने यात्रा किया, अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा, फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आजादी नहीं है। इस देश में सबसे ज्यादा जो बोलता है वही कह रहा है कि बोलने नहीं दिया जाता है। जो भी आप देखिए, सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक रात दिन सरकार को गाली देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और वो कहते हैं कि उसको बोलने का आजादी नहीं है। ये किस तरह का तमाशा है, देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद समय है कि पार्लियामेंट का मेंबर, जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है, वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। हम लोग तो जनप्रतिनिधि है, जनता का हित में जो भी है हम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग, जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं, वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते वही भाषा बोलते हैं। इसलिए जब हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी कि रूल के तहत